टैटू मतलब क्या? ना बनाया हो तब तक सपना है, बन जाने के बाद आपकी पहचान बन जाता है, बुढ़ापे में बीते हुए जवान सालों की साबिती बन जाता है, और मरने के बाद चीता में भी साथ में सो के जल जाएगा यह टैटू। अब मरून काली का दस्सा 10 ऑफ स्पैड्स। आज एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी है, खुश है, गांव गांव शहर शहर जाकर सामान बेचता है। एक दिन गड्ढे में गिर गया, अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आया, कहां है, किसने गिराया, कौन निकालेगा। अब तो हिम्मत भी टूटने लगी थी कि बचेंगे। एक दिन कोई आया और पूछा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तैयार हो? आदमी बोला, हाँ भगवान के लिए मुझे बचा लो। अनजान आदमी बोला, पर एक शर्त है मेरी। आदमी बोला, क्या? अनजान आदमी, बाहर आने के बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मंजूर है? आदमी, हाँ पर क्या करना पड़ेगा? अनजान आदमी, लोगों को इस खड्डे में गिराने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। आदमी, अब समझा, तुमने ही मुझे गिराया था, अब बाहर भी तुम ही निकालोगे और अपने पापों में शामिल कर लोगे। अनजान आदमी, हाँ तुम्हारे पास यही एक रास्ता है जिंदा रहने का। आदमी कुछ देर बाद बोला, मुझे मंजूर नहीं है, मैं यहां मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे पापों का हिस्सा नहीं बनूंगा। अनजान आदमी, मेरे साथ आ जाओ, ऐस करोगे पूरी दुनिया तुम्हारी, वरना सड़ोगे यहां। आदमी, मैं मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। अनजान आदमी चला गया। कुछ दिन बीत गए, अब वो हार गया था, बेहोश था। अचानक एक रोशनी प्रकट हुई और उसमें से आवाज आई, मैं तुम्हें लेने आया हूं। आदमी बोला, बदले में क्या करना होगा? रोशनी वाली आवाज, जो करना होगा करना पड़ता वो तुम कर चुके, उस शैतान को मना करके। जो लोग उसको मना कर पाते हैं मैं उसी के पास आता हूं और आखिर में आता हूं, चलो। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे स्टूडियो का 11 साल पूरे हो गए। कैसे हुआ ये सब? मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। लगातार 11 सालों तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो बदले में मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ।
150 रुपए में इंच टैटू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 150 रुपए में इंच टैटू। तो जल्दी कीजिए, भले आओ जो।